ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हिना एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शॉपाहोलिक हिना। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे, सो मेरा नाम हिना है, मेरे चैनल का नाम है शॉपाहोलिक हिना। सो आज का वीडियो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, होने वाला है एक्यूटेन के ऊपर। एक्यूटेन एक सिन होती है कि जब आपके काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन होती है एक्नेस की, तब आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। सो मैं इसे ले रही हूँ काफ़ी टाइम से। सो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ चीज़ों को जिन्हें आपको ध्यान रखनी चाहिए और कैसे आपको पता चले एक्यूटेन आपके ऊपर वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले चीज़ आपको बता देती हूँ, एक्यूटेन का रिजल्ट जो है वो आपको आफ्टर 10 डेज बिल्कुल दिखने लग जाता है आपके एक्ने के ऊपर। और ये मैं 10 mg, 20 mg, 30 mg तक मैं जा चुकी हूँ। तो इन तीनों ही केस में मैं मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपको लगने लगता है कि आपके एक्ने जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं और किसी भी तरीके का इशू नहीं हो रहा है। पर्जिंग इसमें इतनी खास देखने को नहीं मिलती है क्योंकि विटामिन ए ज़रूर है। पर्जिंग एक रेयर केस हो सकता है, बट मेरे केस में जितना मुझे पता है पर्जिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। सेकंड चीज़, आप कैसे पता लगाएं कि आपके ऊपर एक्यूटेन काम कर रहा है। एक्यूटेन अगर आपके बॉडी में काम कर रहा है, आपने आपके एक्ने पर काम कर रहा है, तो सबसे अच्छा साइन आप जो देख सकते हैं वो ये होगा कि आपके लिप्स हैं वो ड्राई आउट होने लगेंगे। ड्राई मतलब कि चैप्ड लिप्स होने लगेंगे। काफ़ी ज़्यादा फील होगा कि आपकी स्किन खिंच रही है, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, एंड खास करके आपके लिप का एरिया। तो आप बिल्कुल समझ लीजिएगा कि एक्यूटेन आपकी बॉडी में काम कर रही है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है जानने का। सेकेंड चीज़, एक्यूटेन कई लोग बोलते हैं कि आपको जो है एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए, बट जहाँ तक मुझे लगता है और मेरे डर्मेट ने मुझे सजेस्ट किया था कि जब आप एक्यूटेन लेते हैं तो आपका जो स्टमक है वो फुल होना चाहिए, यानी आपने अच्छा खासा मील लिया होना चाहिए। और जब आप उसे वाटर के साथ इंटेक करेंगे तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से बॉडी में स्प्रेड भी होता है और काफ़ी अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी, एक्यूटेन के साथ अगर आप इस तरीके का इशू फेस कर रहे हैं तो एक्यूटेन लेते समय आपको ये ध्यान रखना है कि मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपको एक अच्छा मॉइस्चराइज़र चाहिए जो कि आप अपने स्किन पर अप्लाई करेंगे। तो यस, मैं यूज़ कर रही हूँ अभी मॉइ ग्रेस। इससे पहले मैंने एक्ने ओसी मॉइस्चराइज़र सजेस्ट किया था, फिजियो एक्टिव सजेस्ट किया था, तो इनमें से आप कोई भी जो है मॉइस्चराइज़र बाय कर सकते हैं। तो मैं अभी मॉइ ग्रेस यूज़ कर रही हूँ जो कि काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन मेरे स्किन पर देकर जाता है। सेकेंड चीज़, लिप्स के लिए आप जो नॉर्मली वैसलिन होती है उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्यूटेन जो होता है उसमें वैसलिन इतना काम नहीं करती है। सो एटलीस्ट मेरे केस में यही हुआ था। तो उस टाइम मैंने क्या किया था, मैंने लिया था ये, उसका नाम है NFE लिप केयर। ये एक न्यू फॉर्मुलेशन के साथ आता है जिसके अंदर है SPF 30+, और ये स्पेशली डिज़ाइन है आइसोट्रेटिनोइन, जब आप एक्यूटेन लेते हैं उस कंडीशन में जो ड्राई लिप्स होते हैं उन्हें नरिश करने के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो अगर आपके पास नहीं है आप ये ट्राई कर लें, नहीं तो अपने डर्मेट से आप जो भी है वो सजेस्ट करवा लें एंड देन यूज़ करें। वीडियो में इतना ही था, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है एक्यूटेन को लेते समय। दैट्स इट, यही था आज के इस वीडियो के अंदर। जब आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।